उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बोरीवली में रामलीला का आयोजन किया गया था। यह रामलीला का आयोजन अत्याधुनिक तकनीकियों से भरी एलईडी स्क्रीन के द्वारा लोगों के समक्ष रखी गई। साथ ही अयोध्या के कारसेवकों का भी इस रामलीला के कार्यक्रम में सम्मान किया गया। रामलला विराजमान होने वाले हैं, श्री सिद्धनाथ तिवारी का सम्मान। जन्मभूमि के काम का और जो न जो ना हुआ वो न किसी के काम। मुझे तो मैं बहुत छोटा था, शायद 12वीं वगैरह में था जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था। और मुझे याद है तब हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी कुछ नहीं थे, नगर सेवक भी नहीं थे, और वो हमारे परिसर से 3-4 लोगों को लेकर कार सेवा में गए थे। हम लोग छोटे छोटे थे, उनको छोड़ने के लिए भी गए थे। 3 बार कार सेवा में गए हुए हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी चाहते थे कि इस अवसर पर जो भी कार सेवा में उत्तर मुंबई से गए हैं ऐसे सभी को बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाकर सम्मानित किया, क्योंकि उनके चलते ऐसे लाखों लाखों कार सेवकों की बलिदान के वजह से आज ये क्षण हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम हमारे आराध्य रामलला को अयोध्या में विराजमान होते देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाकी हम युवा, हम सभी लोग आने वाले दिनों में ये चाहेंगे कि राम राज्य बने, सभी को सभी के साथ न्याय हो, जैसे भगवान श्री राम करते थे कि वो शबरी के साथ हो, वो आदिवासियों के साथ हो, सभी का के साथ जो वो न्याय करते थे। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं मैं सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम जी के पद चिन्हों पर चलने का वो कोशिश करते हैं। उत्तर मुंबई के लिए मैं कहूँ, युवक मंडल के मेरे संस्थापक गोपाल शेट्टी जी है, वो कहते हैं मैं सबका सब मेरे, और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे परिसर को राममय बनाने का कार्यक्रम करेंगे। कल भी यहाँ पर हम भंडारा कर रहे हैं, 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर भंडारा में सम्मिलित होंगे। आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइए, यहाँ दर्शन भी करेंगे और भंडारा प्रसाद लेते हुए राम के गुण गाकर इस कार्यक्रम को भव्यता से मंडल यहाँ पर दशहरा महोत्सव करता है। रावण की प्रतिमा हम लोग यहाँ पर जलाते हैं, होली का कार्यक्रम करते हैं, हजारों हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस ये भूमि ऐसे, ये सप्ताह क्रीड़ा मैदान ऐसे पावन है, इसको बनाया ऐसे कई उद्यान बनाने वाले, फिर एक बार में मेरे सांसद जी का नाम लूंगा, उद्यान सम्राट होते होते वो ऐसे कई मैदान उन्होंने बनाए। युवक मंडल के वो संस्थापक है, मुझे फख्र है कि मेरे संस्थापक 3 बार कार सेवा में जाकर मंदिर बनने में जो उन्होंने जो थोड़ा थोड़ा सा एक अपना रोल प्ले किया है उसके लिए हम सब धन्य है। जय सियाराम। आने वाले 22 तारीख को जो इस देश में होने जा रहा है इसे केवल शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि हमारी पीढ़ी ने ये सब देखा है या हमें जीने का मौका मिला है। याद कीजिए जब हमारा बाबरी ढांचा तोड़ते समय लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे या बाद में जो हमने अनुभव किया, कितनी पीढ़ियां बीत गई कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, रामलला फिर से वहां पर बैठेंगे, लोग बातें करते रहे। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, हमारी पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे और रामलला को वहां विराजमान होते देख रहे। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ।